सो अब जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर हम एंसेस्टर वूम हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बात आती है कि एंसेस्टर्स हैं कौन, राइट? सो अभी तक ऐसा लगता है कि आप सबको पता है कि एंसेस्टर्स हैं कौन, है ना? सही या नहीं? आप सबको यस पता मैम, है ना? करेक्ट. सो आप सबको पता है कि जो आपसे पहले इस दुनिया में आए, और स्पेशली वो जो आपके फैमिली को बिलोंग करते हैं, चाहे वह आपके माँ की तरफ के हों, चाहे वह आपके पिता की तरफ के हों, वो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो इंक्लूड करते हैं आपके सारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? अगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोले, या हम अगर हिंदी में बोले तो हमारे नाना 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 पर नाना, उसी प्रकार से दादा परदादा, या जो भी भाषा में आप बात करते हैं, तो जो आपके पहले इस दुनिया में आए पर आपके साथ उनका खून का रिश्ता है एक प्रकार से, वह आपके एंसेस्टर्स हैं. यह एंसेस्टर्स को ऑफकोर्स हम बड़ा कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन को और लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं. वो हो सकते हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज, हमारे अंकल आंट्स, बुआ चाचा ताई, जो हमारे डायरेक्टली हमसे ब्लड के थ्रू रिलेटेड हो या नहीं हो, कजन्स भी, पर वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स में हैं, तो हम कभी ना कभी उनको ला भी सकते हैं. लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म में बात करें, तो वो हमारे एंसेस्टर्स अलग हैं और ये हमारे रिलेटिव्स हैं. ओके, ठीक है. सो आप मेटर्नल, जैसे मैंने बोला पेटर्नल, तो ये दो साइड्स का हमको अंदाजा है. जब हम मेटर्नल बोलते हैं तो हमारी माँ की तरफ की साइड हो जाती है, जब हम पेटर्नल बोलते हैं तो हमारे पिता की तरफ की साइड. ऑफकोर्स अब आप ये ना ये बात बोलिएगा कि मैं तो शादी है, तो शादी के बाद क्या मेरे हस्बैंड के माँ पिता की वो, ये मैं एक्चुअल आपके माँ पिता की बात कर रही हूँ. ओके, सो उस आप उनके डिसेंडेंट हुए, वो आपके एंसेस्टर हैं, तो आप उनके डिसेंडेंट हुए. और इसमें जो भी डिसेंडेंट आपके बाद भी आएंगे, चाहे वह आपके बच्चे हो, चाहे वो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, वह सब डिसेंडेंट कहलाए जाएंगे इन सब एंसेस्टर्स के, राइट? तो एक डायरेक्ट लीनेज है और एक कोलैटरल रिलेटिव्स है, जो मैंने बताया आपको, जैसे कि आपके आंट्स हैं, अंकल्स हैं, सिबलिंग्स हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं हो, लेकिन वो कोलैटरल रिलेटिव्स में आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स में आते हैं. और जो ब्लड लाइन के जो डायरेक्ट इसी लाइन के अंदर आते हैं, वो आपके डायरेक्ट एंसेस्टर्स हो गए. अब फैमिली हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद हो ना पसंद हो, लगता हो अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा लगता हो उसका फायदा है कि नहीं फायदा है, लेकिन एंसेस्टर हिस्ट्री का तो ऑफकोर्स फायदा है. क्यों फायदा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी, हम क्या हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, किसको बिलोंग करते हैं, किस तरह के कल्चर हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, अगर हमें उसका अंदाजा हो, उसके बारे में पता हो, तो जीवन हमारा उतना ही बलवान पूर्वक अच्छी तरह से शक्तिशाली बने. एग्रीड कि नहीं? आपको लगता है अगर आपको आइडेंटिटी हो, जब आपको पता होता है, अफकोर्स आपके आ, आ, हर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या हर किसी को पता नहीं होगा कि उसके नाना नानी या उससे पहले के पूर्वज कहाँ से आते थे, किधर रहते थे, किस जगह से आए थे, किस कंट्री को बिलोंग करते थे, या जो भी उस समय पे जो भी नाम थे, या जिस जगह का जैसे भी बुलाया जाता था क्षेत्र को, क्या कार्य करते थे, उनके क्या ऑक्यूपेशन था, राइट? ये सब का हो सकता है हमको उतना अंदाजा नहीं हो. हमें एट द मोस्ट हमें अपने नाना 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 नानी तक का या दादा दादी तक का पता होगा. उसके पहले कौन किधर से आया था, क्या करता था, उसका हमने कभी शायद पूछा नहीं हो, और अब हमारे पास वो सोर्स भी नहीं हो जहां से हम पूछ सके, क्या पता लगा सके. ऑल्दो देर आर साइट्स जहाँ पे आप एंसेस्ट्री, अपना डीएनए, अपने ये सब चीजें का रिकॉर्ड्स कई जगहों पे ऐसे मेंटेन्ड होता है. हमारे कई जगह, जैसे हम श्राद्ध भी कराने जाते हैं, कई जगह पे हम ये कराते हैं, तो वहां पर कुछ आपके 4 जनरेशन या आपके पहले, उससे पहले जो जो एंसेस्टर्स थे वो आए थे, उन्होंने यहाँ श्राद्ध कराया था, ये सब काफी कुछ हमें इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है, राइट? लेकिन तो इसी प्रकार से जो ये इंफॉर्मेशन है,
वह हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती है कि हमारे परिवार में किस प्रकार के लोग थे, पर कि हम किस प्रकार से जीवन को जिए, किस प्रकार से जीवन में लोगों की तरह को ट्रीट करें, है ना। इवन फीलिंग्स लाइक कंपैशन, लविंग एनीवन, फॉरगिवनेस, सैक्रिफाइसेस, ये सब क्वालिटीज भी हमें कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स से पता चलती है। कैसे भगवान को पूजा करने की, कैसे ट्रेडिशंस फॉलो करने का, किस प्रकार के रिचुअल्स करने की, किस प्रकार के सेरेमनीज करने की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज के थ्रू ही आ रही। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उसमें बहुत बदलाव आ गया हो, उसमें बहुत कुछ मिलावटें आ गई हो, बहुत कुछ मिक्स हो गया हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली के अंदर मेंबर्स चेंज होते जाते हैं, ट्रेडिशंस अलग होते जाते हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से लोग आने लगते हैं, तो ये एक प्रकार से वो अपने भी कुछ ट्रेडिशंस लेके आता, तो उसमें कहीं ना कहीं हम काफी कुछ मिक्स हो जाता है या हम भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ उनका काफी कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है, राइट। तो अगर हम अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो वो हमें कनेक्शन देता है, आइडेंटिटी देता है, प्रिजर्वेंस देता है, कैसे हमें अपने को प्रिजर्व, अपने आप को संभाल के अपने हेरिटेज को रखना है, किस प्रकार से हमें चीजों को भुलाने की प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉरगेटिंग बट इन टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस, वो अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर कल्टीवेट करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें लोगों से प्रेम भाव रखना चाहिए, लोगों को के पेन को समझना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, उनकी तरफ कंपैशन रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, किस प्रकार से हम अपने लाइफ में वह चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम अगर जरूरत पड़े तो लोगों के लिए चीजें करें, जिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फलेसनेस एंड सेक्रीफाइसेस, है ना, और कैसे हम वो ईश्वर के अंदर विश्वास रख। सो दीज आर टू सम अप के हमारी फैमिली हिस्ट्री के जानने के बारे में हमें उससे क्या मदद मिलती है, क्या हम उससे सीखते हैं, राइट।